प्रिय मित्रों, आज मैं आपके साथ रत्नों के विषय में कुछ गुप्त बातें, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आम आदमी नहीं जानता, शेयर करूंगा। जब कोई व्यक्ति रत्न खरीदने के लिए बाजार जाता है तो जानकारी के अभाव में कीमत में भारी धोखा खा जाता है, कीमत का आलंकन नहीं कर पाता। रत्नों की कीमत तीन चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला, उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसी है, उसमें चमक कितनी है। दूसरा, उसका कलर कैसा है। तीसरा, रत्न की कटिंग कैसी है। तो मित्रों, रत्नों के विषय में सभी बारीक से बारीक जानकारी आज की वीडियो में दूंगा। साथ ही साथ में 1000 रुपये कैरेट से लेकर के 50000 रुपये कैरेट तक की 6 वैरायटी मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा। उनकी कीमत के हिसाब से उनके गुण दोष भी आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं के समाधान के लिए और गवर्नमेंट लैब से सर्टिफाइड राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, विषय को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, जब आप रत्न खरीदने जाएं तो सबसे पहले ध्यान रखें, जिस रत्न को आप खरीदें उसमें गड्ढा नहीं होना चाहिए। चारों तरफ घुमा करके बहुत बारीकी से उसको देखें। रत्न के अंदर छोटे छोटे गड्ढे कहीं ना कहीं होते हैं और खासकर सस्ते रत्नों में यह बीमारी पाई जाती है। चीर चपाट नहीं होना चाहिए, बहुत ध्यान से देखें। नाखून चला करके उसमें स्क्रैच नहीं होना चाहिए। अगर रत्न के अंदर यह दिक्कत है तो वह रत्न आपको लाभ नहीं करेगा, ठीक है। तो यह आप ध्यान से देखें इस बात को। दूसरा, रत्न दुरंगा नहीं होना चाहिए, दुरंगा रत्न भी आपको लाभ नहीं करेगा। तो यह देखिए आप, यह मेरे पास में श्रीलंका के नेचुरल 1000 रुपये कैरेट की पहली वैरायटी है। प्रिय मित्रों, बहुत बढ़िया वैरायटी नहीं है, ना इसके अंदर चमक बहुत ज़्यादा है, ना इसके अंदर कलर ढंग का है। थोड़े थोड़े दाग धब्बे भी आपको दिख रहे होंगे। जैसा पैसा वैसी वैरायटी। अब ये दूसरी वैरायटी आप देखिए, ये पुखराज आप देख रहे हैं, नीलम आप देख रहे हैं, ये देखिए, इसमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है। पहले वाली से कलर भी कुछ ठीक है, चीर चपाट नहीं है, दाग धब्बे नहीं है, साफ सुथरे पीस है। 3000 रुपये कैरेट में आप इसे हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कहीं बाहर से भी ले सकते हैं। इस वैरायटी में इससे ज़्यादा कीमत देने की कोई आवश्यकता नहीं है। खरीदने से पहले गवर्नमेंट या प्राइवेट लैब अवश्य कराएं, जो आपके लिए ठीक रहेगा उसमें आप धोखा नहीं खाएंगे। अब देखिए साहब, ये 5000 रुपये कैरेट वाली वैरायटी है। चमक एक तो बहुत ज्यादा है, हार्डनेस 3.99 या 4 होनी चाहिए, नीलम की इतनी होती है आमतौर पर। तो देखिए, हार्डनेस बहुत अच्छी है इस वैरायटी की, 5000 रुपये कैरेट, आमतौर पर 25 से 30 हज़ार का पीस यह बनता है। कलर बहुत अच्छा है, समान कलर है इसमें, देखिए आप, बिल्कुल फैला हुआ कलर नहीं है, दाग धब्बे नहीं है, बिल्कुल क्लियर पीस है, साफ सुथरे पीस है, चोट चपेट के निशान नहीं है, 5 रत्ती के आसपास के पीस हैं। तो यह वैरायटी 5000 रुपये कैरेट में आप खरीद सकते हैं हमारे यहाँ से भी, और कहीं बाहर से खरीदे तो इतने का ही माल ये होता है। एक आइडिया आप अपने दिमाग में ले लें, आपको आइडिया देने के लिए यह वीडियो मैंने बनाई है। ये देखिए, ये पीस देखिए आप, ये पीस देखिए, ये 5000 रुपये कैरेट का माल है। अब मित्रों आते हैं थोड़ा आगे फाइन क्वालिटी में, ये 10000 रुपये कैरेट आपके सामने 10 से 11 पीस ये रखे हुए हैं। एक तो इनकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है, दाग धब्बे नहीं है, चीर चपाट नहीं है, कलर बहुत इनका प्यारा है, और वजन भी 5 रत्ती से ऊपर ही ऊपर है। तो रत्न खरीदते समय इन 5-6 बातों का ध्यान तो आपको रखना ही रखना है। कलर बहुत अच्छा हो, दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, चीर चपाट नहीं होना चाहिए, और अंदर छोटा मोटा रेशा हो तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई चीर फाड़ का निशान नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, 10000 रुपये कैरेट का भाव का माल है, लेकिन शानदार, एकदम शानदार माल है, एकदम गजब का ही ये बहुत बढ़िया माल है। 10000 रुपये कैरेट का इसका भाव है। और मित्रों ये देखिए, ये जो नीलम के पीस हैं, पुखराज के पीस हैं, सारे के सारे पीस ही एकदम क्लीन है, साफ सुथरे हैं। तो इस माल को आप लगभग खरीद सकते हैं 10000 रुपये कैरेट में। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 200 मिलीग्राम का कैरेट होता है और 180 मिलीग्राम की रत्ती होती है।
पक्की रत्तरी से बोलते हैं, 180 की भी चलती है, 182 की भी चलती है। तो ये आप देखिए, ये जो वैरायटी लास्ट में मैं पीस आपको ये दिखा रहा हूँ, ये पहली बात तो मार्केट में बहुत ही मुश्किल से चीज़ मिलती है, ना के बराबर ही उपलब्ध है, और लमसम अगर कहीं मिलेगी तो 50,000 रुपये कैरेट के भाव में यह माल आपको मिलेगा। चूँकि इसमें ट्रांसपेरेंस भी बहुत बढ़िया है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है, इसकी चमक भी बहुत, हर गुण जो एक रत्न के अंदर होना चाहिए प्राकृतिक रूप से, वह गुण इस रत्न के अंदर है। तो मित्रों, रत्न खरीदते समय रतन कितना ट्रांसपेरेंस है, उसकी कटिंग कैसी है, उसका वजन कैसा है, दोरंगा ना हो, चीर चपाट ना हो, बहुत ज़्यादा रेशे ना हो, दाग धब्बे ना हो, छोटे मोटे गड्ढे ना हो, कोने से टूटा हुआ ना हो, यही सब बातें देखने वाली होती हैं। खासकर उसका कलर अच्छा होना चाहिए और उसमें दोरंगा नहीं होना चाहिए और उसका वजन अच्छा होना चाहिए, 5 रत्ती के आसपास का रत्न अच्छा रहता है। तो मैं कामना करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी छोटी छोटी पर शानदार।